किसी भी सॉन्ग पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आप अच्छे से इसको ट्राई कर सकते हो घर बैठे ही। तो पहला स्टेप जो म्यूजिक में बताया उसमें क्या करना है, हमें राइट में पहले राइट वाला पैर निकाला, लेफ्ट को पीछे स्लाइड करना है, ठीक है। कैसे, राइट पाँव आगे फिर ये लेफ्ट वाला पीछे पीछे, फिर लेफ्ट वाला आगे रखना है ये पीछे पीछे करना है, हाथ को ऐसे ऐसे रोल करना है ऐसे, ठीक है। कैसे, 1 2 फिर से देख लो, मेरे साथ साथ करो आप, जितना साथ साथ करोगे उतनी ही आप प्रैक्टिस कर पाओगे, क्लियरिटी आएगी। चलो पहले मेरा राइट इधर है, राइट पाँव 1 2, बॉडी को थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ कर लेना, ठीक है। 1 2 3 4 ओके, राइट में राइट वाला पाँव आगे, लेफ्ट में लेफ्ट वाला पाँव, बॉडी को थोड़ा सा पीछे से करना है 1 2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नीचे होके जैसे राइट पाँव बाहर निकाला, राइट पाँव बाहर निकाल के एडी इसकी उठा लेनी है, एडी उठा के स्लाइड करना है दो बार अंदर की तरफ 3 4, हाथ ऐसे, पैर अंदर आएगा तो हाथ भी अंदर ऐसे 3, फिर पाँव बाहर जाएगा तो हाथ भी बाहर गए 3 4, ऐसे 3 4 5 6, ऐसे भी काउंट कर सकते हो इसको, ठीक है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से करना है 1 2 3 4, अब की बार ही लेफ्ट वाले पाँव से लेफ्ट वाले का पंजा रखना है, एडी उठानी है 3 4 5 6, इसको जितनी बार करोगे क्लियरिटी आएगी। किसी भी बॉलीवुड सॉन्ग पे आप इसको यूज़ करके देखना, मैंने तो ये सॉन्ग लिया है, आप किसी और सॉन्ग पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कैसे, किसी भी म्यूजिक कोई भी वर्ड चल रहा हो आप ट्राई करके देखना, ठीक है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, किसी भी तरफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला स्टेप, अब सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, गाइज, तो हमारा जो पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया था, दूसरा स्टेप सॉन्ग के साथ आपने देखा, ये दो स्टेप कंबाइन होकर जोड़ रखा है, देखने में अजीब लगता है, अभी अब मैं आपको समझाऊंगा तो बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ जाओगे, ठीक है। और किसी भी बॉलीवुड सॉन्ग पे आप यूज़ करके देखना, आराम से यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले राइट हैंड ऊपर उठाया और इधर फेंक दिया लेफ्ट साइड की तरफ, राइट ऊपर उठाया लेफ्ट साइड की तरफ फेंक दिया, और राइट हाथ उठाएंगे तो राइट लेग ही पीछे से क्रॉस होएगा 1, ठीक है। राइट हैंड उठाया, राइट लेग को पीछे से क्रॉस किया 1, फिर वापस आ जाएंगे। फिर लेफ्ट हैंड उठाना है तो लेफ्ट वाला पाँव पीछे से क्रॉस हो जाके इधर आएगा, जैसे हाथ में कुछ है उसको पकड़ के इधर फेंक दिया, इसको पकड़ के इधर फेंक दिया, ठीक है। साथ साथ में लेग भी जानी चाहिए 1 2, दो बार करना है 1 2। अब इसके साथ ये भी एक अलग स्टेप है, लेकिन ज्वाइंट करके अगर स्टेप करोगे तो अच्छे स्टेप लगेंगे किसी भी सॉन्ग पे करोगे तो, ठीक है। कैसे, 1 2, अब वापस आके अब पैर नॉर्मल इतने हैं, अब इसको और खोलना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, हल्की सी एडी उठा सकते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे करना है, हाथ ऐसे, एक बार ये वाला हाथ इधर राइट वाला, एक बार लेफ्ट वाला हाथ इधर, 1, पैर खोल दिए, 2 में वापस, अब लेफ्ट हैंड से 1 2 में वापस, ठीक है। 1 2 3 4, देखो इधर हाथ खोल रहा है तो बॉडी को इधर खींच देंगे, फिर वापस, अब लेफ्ट वाला हाथ इधर करो, मेरे साथ साथ करके देखो, लेफ्ट वाला हाथ इधर करेंगे तो इधर खींच देंगे और वापस ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको एक स्टेप को बार बार प्रैक्टिस करना, दोनों को पहले इसको प्रैक्टिस किया, अलग अलग भी यूज कर सकते हो इनको, फिर इसको प्रैक्टिस करना 1 2 3 4, 1 2 3 4, जब दोनों की प्रैक्टिस हो जाए फिर दोनों को मिला के ट्राई करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी क्लियरिटी आएगी आपकी बॉडी में भी, स्टेप में भी, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप, तीसरा और लास्ट स्टेप देखो आज का, चलो। ओके गाइज, तो दो पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट जो तीसरा स्टेप मैं लेके आया हूँ
उसके लिए मैंने सॉन्ग चेंज कर दिया, यही दिखाने के लिए कि भाई जैसे किसी भी सॉन्ग पे यूज़ कर सकते स्टेप, तो मैंने दो स्टेप किसी और सॉन्ग पे बताए, तीसरा स्टेप किसी और सॉन्ग पे बता रहा हूँ। तो आप भी बॉलीवुड के किसी भी सॉन्ग पे यूज़ कर सकते हो। अभी हुक्का वार वाले पे बताया, ये स्टेप देखो मज़ा आएगा करने में, और जहाँ भी डीजे पे आप करोगे धुम्मा ठा दियो, साड़े की जड़ गाट दियो, सारे थारे काम देखते हैं, ऐसा काम कर दियो, ठीक है ना। चलो अब स्टेप देखना है, 1 2 लेफ्ट वाले पांव को थोड़ा सा आगे निकाल के दो बार टैप करना है, 1 2 ठीक है, 1 2 हल्का सा साइड में रखना बस, 1 2 जब पैर जमीन पर टच करे तब काउंट करना है, 1 2 अब राइट वाला पैर, 3 4 ठीक है, 1 2 3 4 दो बार इधर दो बार इधर, 1 2 ये एक एक बार भी यूज कर सकते हो, तब भी म्यूजिक पे मैच हो जाएगा, डबल भी कर सकते हो, 1 2 3 4 अब उसके बाद क्या करना है, एडिया उठानी है और ऐसे करनी है, अंदर दोनों एडिया एक बार बाहर, एक बार अंदर एक बार बाहर, इसके थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बैलेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 थोड़ा सा बैंड होके घुटने बैंड करके, 1 2 3 4 हाथों को ऐसे ऐसे यूज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, कैसे पंजे पे रख के एडी उठानी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कैसे हो जाएगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 इसको प्रैक्टिस करोगे उतनी क्लियरिटी आएगी। देखो सिंपल सी बात, एडी उठा लो अंदर, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो थोड़ा झुक के, 1 2 1 2 1 2 1 2 आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो, हुक्का वर वर वर, चलो जो बताया वही कर लो, ये भी सही है, सॉन्ग कोई भी हो सकता है, तो ये स्टेप ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, सिंपल था, जितनी प्रैक्टिस करोगे क्लियरिटी आएगी। तो 3 स्टेप मैंने इस वीडियो में बताए हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, ये देखो मेरे को बताओ कैसा लगा, फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप डांसिंग।